सांसद गोपाल सेट्टी की संकल्पना के तहत श्रीमद् भगवद गीता का शिक्षा अभियान मुंबई के बोरीवली से शुभारंभ कर दिया गया है। दरअसल सांसद गोपाल सेट्टी ने संसद भवन में यह मांग की थी कि श्रीमद् भगवद गीता को स्कूली शिक्षा के तौर पर अपनाया जाए, जिससे समाज में और देश में और हमारे धर्म के प्रति लोगों को जागरूकता मिले। इस बीच सांसद गोपाल सेट्टी ने सरकार से यह भी मांग की थी कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भगवद गीता का पाठन और अध्ययन किया जाए, जिसको लेकर कई राज्यों ने इसकी शुरुआत भी कर दी, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई। इसी वजह से सांसद गोपाल सेट्टी ने अपनी संकल्पना के तहत मुंबई बोरीवली से इसकी शुरुआत कर दी है, जिसमें आज करीब 100 से ज़्यादा बच्चों ने इस संकल्पना को मानते हुए भगवद गीता का अध्ययन करने की तैयारी में है। फिलहाल उन सभी बच्चों को भगवद गीता का पुस्तक देकर बोरीवली से इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें सांसद गोपाल सेट्टी ने बताया कि आने वाले शनिवार से पोईसर जिमखाने में इसका शुभारंभ किया जाएगा और सभी बच्चे शनिवार शाम 7 बजे से लेकर करीब रात 9 बजे तक इसका अध्ययन कर सकेंगे, जिसमें 7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के लोगों को भाग लेने की अनुमति रहेगी। इस बीच उन्हें भगवद गीता का ज्ञान के अलावा भगवद गीता का सारांश और भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए, इसका भी जानकारी दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सांसद गोपाल सेट्टी लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि स्कूली शिक्षा में भगवद गीता को शामिल किया जाए, लेकिन कई राज्यों के करने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बीच तमाम बच्चे जो तस्वीरें में दिख रहे हैं उन्हें भगवद गीता दिया गया है और आने वाले शनिवार से ये सभी बच्चे भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, उन्हें शिक्षा दी जाएगी और यह जरूर तय हो जाता है कि आने वाले समय में पूरा देश भगवद गीता पढ़ेगा और भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान के अलावा भारतीय जो परंपरा रही है उसे जानेगा। इस बीच सांसद गोपाल सेट्टी ने क्या कुछ कहा है इस खबर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। गीता को लेकर स्कूली शिक्षा में उसको शुरू करने की पहल की थी, लेकिन कई राज्यों ने इसकी शुरुआत की, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत अब नहीं हुई है। लेकिन सांसद गोपाल सेट्टी की पहल के चलते कहीं ना कहीं उत्तर मुंबई में भी स्कूली बच्चों को जो है शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। इस विषय को लेकर सांसद जी हमारे साथ है। सांसद जी, सबसे पहले इसका शुभारंभ कैसे किया जाएगा, कितने विधानसभा में किया जाएगा, बताइए। न, जैसे मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी तो हमारे सम्माननीय मंत्री ने ये कहा था कि हम सरकार धीरे धीरे इसको पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी राज्य को अगर करना हो तो स्वयं कर सकते हैं। तो हमारे देश में 3-4 राज्य के लोगों ने इसका प्रारंभ किया है। जिस महाराष्ट्र से मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो वहाँ पर मैंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को और राष्ट्रीयता के लिए बहुत काम किया और उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी यार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है तो महाराष्ट्र में ये लागू होना चाहिए, इस प्रकार की मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन उनकी मजबूरी में मैं जानता हूँ कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनके साथ में होने की वजह से वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्यों अपना समय को बिगाड़ना चाहिए, हमने स्वयं क्यों ना इसका शुभारंभ करना चाहिए। तो हमने आज बोरेली विधानसभा में इसका प्रारंभ किया, हजारों की संख्या में लोग आए अपने बच्चों को लेकर। मैं आने वाले दिनों में बाकी के 5 विधानसभा में इस प्रकार का कार्यक्रम करूंगा और आज आपने कार्यक्रम में देखा कि बहुत सारे सेवाभावी संस्था के लोगों ने भी कहा कि हम भी स्वयं इसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे करके हम सारे घर तक भगवद गीता को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवद गीता धर्म सिखाता है, धर्म यानी मानव धर्म, हम कैसे जी सकते हैं, हमारी सोच कैसी हो सकती है, संकट का सामने हमने कैसा करना चाहिए, गलत करने वाले लोगों के ऊपर अंकुश कैसा लगाना चाहिए, सही करने वालों का हमने साथ किस प्रकार से देना चाहिए, ये हमको भगवद गीता सिखाता है। भगवद गीता किसी के साथ में दुश्मनी करना, किसी को ऊँचा नीचा दिखाना, ये भगवद गीता सिखाता नहीं है। भगवद गीता हमको न्याय करने के लिए सिखाता है। तो मैं मानता हूँ कि देश के हर नागरिक ने, हर समाज के लोगों ने इसको अंगीकार करना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। सांसद जी, संसद में आपकी आवाज़ बुलंद करने के बाद से कई राज्यों ने इसको अमल भी किया, स्कूली शिक्षा में इसको शुरू भी कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की अभी नहीं शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर अमल करना चाहिए? नहीं, महाराष्ट्र सरकार से तो मैंने दिल्ली के पार्लियामेंट में इस बात की अपेक्षा की थी कि महाराष्ट्र में शुरू हो, लेकिन मैंने दूसरी बात भी बताई कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनके साथ में होने की वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी भले नहीं करें, ये हमारा भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, हमने सिर्फ उपदेश ही नहीं देना चाहिए तो कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। तो कर्तव्य का पालन करना हमने प्रारंभ किया से
आज शुभ एकादशी ऐसा मुझे पता चला और मैं मानता हूँ कि एक अच्छे दिन में इसका हमने शुभारंभ किया है और शुरुआत भी बहुत, ओपनिंग भी बहुत अच्छी हुई। बारिश होते हुए भी हज़ारों की संख्या में लोग अपने बच्चों को लेकर आए और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा ये आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल, लगातार सांसद गोपाल शेट्टी की यह पहल कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई और आखिरकार मुंबई महाराष्ट्र में इसकी शुभारंभ की गई है। हमारे पीछे तस्वीरें देखो। उत्तर मुंबई के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे हम सबको पता है कि उन्होंने लोकसभा में इस सब्जेक्ट का विषय उन्होंने उठाया था और सिर्फ वहाँ पे न रुकते हुए, सिर्फ क्वेश्चंस को न करते हुए अपने मतदार क्षेत्र में इसका शिक्षारंभ चालू होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पोइसर जिमखाना जैसे संस्था पे विश्वास रखा और हमें इसका शुरुआत करने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं उनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पोइसर जिमखाना आप सभी जानते हैं कि इस तरह से सोशल वर्क काफ़ी 20 सालों से उनके लीडरशिप में हम करते आ रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम पोइसर जिमखाना की जो मैनेजिंग कमेटी टीम है इस कार्यक्रम को करने में सक्षम है और मुझे पूरा आशा है कि हम ये सक्सेसफुली पूरी तरह कर पाएंगे। गीता के अध्ययन के लिए क्या आपने गाइडलाइन में बचपन में क्या पढ़ा था, आप देखिए इनके माता पिताओं ने उनको क्या संस्कार दिए थे, भगवद गीता और भागवत के माध्यम से उनको जो सिखाया गया था निस्वार्थ कैसे जीवन जी के हमें समाज की सेवा करनी है। तो ये अगर हमें ऐसे समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले नेतागण अगर निर्माण करने हैं, ये भारत के स्वतंत्र सेनानी हुए, मध्ययुगीन भारत के भी जो भी महान महान राजे महाराजे हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो या राजा विक्रमादित्य हो, जो भी हो, उन्होंने बचपन में गीता पढ़ी थी। अगर हमें ऐसे विश्वगुरु जैसे भारत के निर्माण करने के लिए ऐसे निस्वार्थ नेता का निर्माण करना है तो बचपन में गीता पढ़ानी होगी, स्कूल में पाठ्यक्रम में पढ़ानी होगी, कॉलेज में पढ़ानी होगी, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। हमें स्कूल के बच्चों को